नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिष्टु राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। देखिए, मैं जनपद फिरोजाबाद में उसाहिनी दरगाह के पास में खड़ा हूं। इटावा से महिला को किडनैप करके यहां लाया गया था और नग्न अवस्था में छोड़ा गया था, तो वे वही दरगाह है जहाँ एक नग्न अवस्था में महिला को छोड़ा गया था और यहाँ स्थानीय लोगों ने उनको वस्त्र पहनाकर परिवार वालों को सूचना दी थी कि नग्न अवस्था में आपके परिवार की एक महिला यहाँ पड़ी है। तो परिवार वाले आकर यहाँ पर उस महिला को ले गए, जिसकी सूचना थाना जनपद इटावा में कोतवाली में दी गई है। इटावा जनपद के ही ये परिवार वाले रहने थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जो घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से परिवार के लोग या किस लोग से अभी तक पुलिस इस घटना पर अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। और भी मैं बात करता हूँ, वो वही महिला है जो यहाँ पर नग्न अवस्था में छोड़ी गई थी। मैं उनसे बात करता हूँ कि जब यहाँ आप इस ये दरगाह पे आई थी तो किस अवस्था में थी? हमारे पास कपड़े नहीं थे, कोई शाल लपेटे थे, किसी ने दी थी उनको, नहीं कहीं तो कोई लपेटे थे हम, और हम बिल्कुल नंगे बाल दिख रहे थे। उन्होंने विचारियों ने हमने उनसे कहा, उन्हें भगा दिया हमें पागल समझ के। हमने कहा मुसलमान, हमें पानी दे दो, ये यहाँ से ला दे। और यहाँ हमें बिठाया, हमें पानी पिलाया, हमारे कपड़े नहीं थे, तो ये बेचारी कहाँ से मांग के लाई, हमें कपड़े सिलाए। हमारे सर पर घी माला चाय ला के बच्चे ने हमको पिलाई, फिर हमारे घी माला रात खिलाई, पानी खिलाया। फिर कितनी देर में हमसे नंबर पूछा इन्होंने, कोई नंबर आता है? हमें अपने लड़के का नंबर याद था, हमने धीरे धीरे इनको बताया। क्या नाम है आपका? मेहरुन निशा। देखिए, ये वही मेहरुन निशा हैं जो कुछ ही दिन पहले यहाँ इस दरगाह पर नग्न अवस्था मेहरुन निशा को छोड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है, आखिर इस विभत्स घटना को लेके आखिर पुलिस कार्रवाई अब तक क्यों नहीं कर रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार लंबे लंबे वादे करती है, क्राइम रोकने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन गरीबों को न्याय कौन दिलाएगा? मैं और भी लोग मेरे साथ खड़े में बात करता हूँ कि जो घटना हुई है, क्या लगता है आपको, क्यों लोग थे जो घटना को अंजाम देते गए? घटना का अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो सब पारिवारिक लोग हैं, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और बड़ी संदिग्ध घटना को अंजाम दिया है। ये मेरी माँ के साथ उन्होंने जो भी हालात किए हैं, अब उनका अंजाम पुलिस कार्रवाई करेगी जब भी मिल पाएगा। हमें कानून से न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमें कानून से न्याय चाहिए। और माँ ने सभी लोगों को पहचाना है और उसके बावजूद भी अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से कानून क्या काम कर रही है, कहीं ना कहीं एक कानून की सीधी सीधी योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या इन गरीबों को न्याय मिलेगा या इसी तरह ये लोग भटकते रहेंगे।